अस्सलाम वालेकुम प्यारे, ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है। दाल गोश बना रही थी, मसूर की दाल गोश, और साथ में लौकी डाल रही हूँ। मसूर की दाल गोश लौकी, ये देखिए अदरक लहसुन डाल दी, प्याज फ्राई हो गई है। अब अदरक लहसुन डाल रही हूँ, ये बच्चन में जो फ्राई हो रहा है। ये देखिए छोटी सी मैंने ये लौकी ली है, ये लौकी ली है, थोड़ी सी छोटी सी लौकी ली है। ये गोश्त गोश्त डालूंगी अब मैं इसमें, गोश्त डाल दिया। ये मैंने एक बार गोश्त डाल दिया, ये मैंने तो फ्राई हो रहा है, इसको पिंक करना है, पिंक करना है इसको। अच्छी तरह फ्राई कर लें, धनी मसाले डाल देंगे। आधी चमची धनी हल्दी डाल दी, एक चम्मच धनिया डाल दिया, और कुटी पिसी मिर्ची आधी चमची और कुटी मिर्ची डाल दी। ये मसाले डल गए, सूखे मसाले डाल दिए मैंने, अब इसको भूने। इसके बाद में इसके अंदर हम हरी मिर्ची रखी हुई ये डाल देते हैं, और ये डाल दी। ये देख, ये टमाटर डाल दिया है, ठीक है। ये टमाटर डल गया, टमाटर डल गया यहाँ पर। इसको थोड़ा भूनना है, भून करना पड़ेगा इसको। ये देखिए टमाटर और हरी मिर्ची डाली हुई है इसमें मसाले के बाद, इसको भून रही हूँ मैं। इसके बाद
लेकिन तकरीबन भून गया है ये। ये सब भून गया है। अब इसके अंदर मैं ये देखिए लौकी डाल दी। इसको भून लें आप अच्छी तरीके से। लौकी डाली है मैंने काट के आपके सामने, और ये अब इसको भून लेंगे लौकी को। अब इसमें डलेगी, साथ ही साथ गल जाएगा इसलिए मैं साथ ही साथ कर दूंगी सारा। सब साथ ही साथ गलेगा, साथ ही साथ कर देंगे सारा। ये देखिए ये दाल है मसूर की और साथ में मूंग की है थोड़ी सी, ये देखिए। और ये भी साथ डाल देंगे दोनों चीजें, ये सब साथ डालेगा। इसमें पहले मैं गरम मसाला आर्टिफिशियल जो होता है वो डाल रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल रहा है, ये देखिए। ये देखिए तो मैंने डाल दिया इसको। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं, ये देखिए ये दाल ऐड कर रही हूँ। पानी डाल दें इसमें अभी, क्योंकि दाल और गोश्त अभी गलेगा, ये टाइम लगेगा आधा घंटा तो लगेगा ये, ठीक है ना। इसमें आधा घंटा लाल में लगेगा, ये भी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तमाम चीजें डाल के मैंने चढ़ा दिया है, और वो भी भून के चढ़ाया है आपके सामने, सब भून के चढ़ाया है। ये नमक बाद में डालूंगी, नमक रह गया है वो पहले ये पक जाए, इसके बाद में नमक ऐड करूंगी मैं, सही है ना। ये देखिए ये आपको फिर मैं थोड़ी देर में इसको भी दिखाती हूँ मैं, ये थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इसमें। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाई, ये देखिए मैंने दाल गोश की रेसिपी बताई थी ना, लौकी दाल गोश, और ये मेरी आज रूटीन थी जो आज मैंने बनाया वो आपको मैंने दिखा दिया। लौकी दाल गोश बहुत मज़ेदार बनता है ये भी, और इसके साथ मैंने देखे सादे चावल चढ़ाए मैं, ये देखे। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है और पुदीना थोड़ा सा डाला, बाकी आप लोग और इजाफा करना चाहें तो कर लीजिएगा। गर्म मसाला मैंने शुरू में डाल दिया था, अगर ताज़ा और पीस के डालना है जीरे के साथ तो पीस के डाल दीजिए, ठीक है। ये मेरी रेसिपी मुकम्मल है मेरे प्यारे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़।